हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये मैंने करीब 15 दिन पहले ये कोचिया सीड्स की सीडलिंग की थी और ये देखिए आप, मैंने इसको शेड में रखा था, अंदर ढक के उससे पॉलीथीन से ढक के रख दिया था। और अब ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मेरी सारे ये सीड्स निकल आए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही हैं। कितने अच्छी ये सारी ही सीड्स उगाए हैं और इसमें मैंने कुछ खास भी नहीं डाला था, यही बस गार्डन सॉयल और इसको मॉइस्चर रख के और सैंड वगैरह डाल के इसमें मैंने सीडलिंग कर दी थी। इसमें खाद की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सीडलिंग को हम खाद के लिए तो बाद में जब हम इस यहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे निकाल के तब हम उसकी वो करेंगे, उसको लगाएंगे। इसलिए ये तो मैंने सिर्फ सैंड के अंदर ही उगाए हैं। और ये देखो कितना अच्छा ये कोचिया की सारी सीडलिंग हो गई है। अब मैं इसको 10 दिन रख के अच्छे से, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के अलग लगा दूँगी गमलों में। और ये कोचिया प्लांट बहुत ही सुंदर होता है, इसको पार्क वार्क में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगाते हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है और बस मॉइस्चर रहनी चाहिए मिट्टी इसकी। और जब भी आपको लगे कि थोड़ा ये ड्राई हो गया, ऊपर की इसका सरफेस ड्राई हो गया है, तभी आप इसको पानी दें। और ज़्यादा इसको इतना वो नहीं लगता, हालांकि इसमें फ्लावर्स नहीं आते पर ये बहुत ही सुंदर एक ग्रास के रूप में हम इसको हम लगाते हैं गार्डन में। और अब मैं इसको बाद में दिखाऊंगी जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, इसको मैं करूँगी। अभी मैं दूसरी भी वीडियो डालूँगी। और अब ये कोचिया प्लांट इतना सुंदर पौधा होता है, मेरा इसका बड़े दिन से इसकी मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये मुझे प्लांट मिले। एक बार मैं नर्सरी से भी लेके आई थी लेकिन मेरा वो मर गया और प्लांट हुआ नहीं ठीक से। उसके बाद मैंने इसकी इतनी लाख कोशिश की है, तभी मेरे पड़ोस में एक कोचिया प्लांट मुझे दिखा। मैंने उनको बोल दिया था भाई मेरे को सीड ज़रूर चाहिए। जब उन्होंने उखाड़ के फेंके तो मैंने वो प्लांट मंगवा लिया और उसको उसके सारे सीड्स निकाल के और मैंने ये कलेक्ट कर लिए। और अब मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे इतने सारे प्लांट्स मिल गए, मैं औरों को भी दे सकती हूँ और अपने यहाँ भी लगाऊँगी। वाकई में मुझे इतना ज़्यादा एक तरह से कहते हैं कि लगन हो चुकी है इस प्लांटेशन की और ये सब, मैं इतना वो चाहती हूँ अगर मेरे पास इतने सारे गमले उमले हों तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्लांटिंग करूँ और सबको देने में। मुझे, मैं सेल वेल नहीं करती, मेरे को पौधे देने में बड़ी खुशी होती है, मैं सबको गिफ्ट में दे देती हूँ ऐसे ही निकाल निकाल के और लगा लगा के सबको बॉटल काट के दूंगी उसमें। और चाहे मेरी चाय की पत्ती की पॉलीथीन है, चाहे मेरी घी की थैली है, रिफाइंड की है, डब्बा है, मैं सब में लगा देती हूँ। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है मेरे सारे सीड्स निकल आए। वैसे तो मैंने अभी अर्ली वो मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीडलिंग की थी उस दिन, वो अभी मेरे नहीं उगे हैं, वो मैं भी आपको मैं दिखाऊंगी। और जो भी मैं कुछ उगाती हूँ करती हूँ मैं सबको साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये सब प्लांटिंग और सीडलिंग पसंद आए तो आप लाइक करें और शेयर करें और मेरे उत्साह को बढ़ाएं। और मुझे बड़ी ही इंस्पिरेशन वैसे तो मुझे मेरी मदर से मिली है, लेकिन अब भी मैं यूट्यूब पे भी मैं देखती रहती हूँ तो जो भी मुझे लगाना होता है मैं बड़े शौक से लगाती हूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू। ओके, बाय।